लखनऊ में हसनगंज थाना पुलिस ने महिला की हुई लूट के मामले का खुलासा किया है। पुलिस ने बताया कि महिला ने बीते दिनों उसके साथ बैंक से लूटते समय लूट की घटना हुई थी। पुलिस ने मामले की जांच की, जिसमें महिला ने फर्जी लूट की सूचना दी थी। कर्ज को चुकाने के लिए महिला ने लूट की फर्जी कहानी रची थी। गलत सूचना और पुलिस को भ्रमित करने पर पुलिस ने महिला पर कार्रवाई की। थाना हसनगंज क्षेत्र में एक महिला द्वारा ये सूचना दी गई थी कि दिनांक 1/12/2023 को वो बैंक से 110,000 रुपये निकाल कर निकली और इसके बाद रास्ते में जब वो पैदल चलकर आ रही थी तो दो बाइक सवार बदमाशों ने उनके जो रुपए हैं वो उनसे छीन लिए। इस संबंध में जब महिला से वार्ता की गई तो उनके द्वारा ये बताया गया कि वो कई दिनों से ऑनलाइन कुछ लोगों को पैसा ट्रांसफ़र कर रही हैं और इसके लिए इन्होंने लोगों से कर्ज़ भी लिया है। कर्ज़ लेने वाले लोगों को इन्होंने कुछ जो रकम इन्होंने बैंक से निकाली थी उसका भुगतान भी किया और शेष इनके द्वारा ये पुलिस को सूचना दी गई कि इनके साथ लूट की घटना कारित हो गई है ताकि कर्जेदार जो हैं वो इनसे आगे कर्ज मांग ना मांगे। इस पूरी घटना में हमारे द्वारा महिला की लिखित तहरीर पर धारा 392 के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया था, परंतु अब तक के जो साक्ष्य पाए गए हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य हैं और जो महिला द्वारा डिटेल्स दी गई हैं उसमें लूट की घटना कारित होने की बात नहीं सामने आई है।